वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश कुमार। आप देख रहे हैं रियांश टेक। रियांश टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप का, या आप किसी वेब पेज पर कोई भी चीज़ पढ़ते रहते हैं तो आप उसको साउंड में कन्वर्ट करके सुनना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही आसानी से उसे साउंड में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये किस तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर पे। उसके बाद यहाँ सर्च करना है T2S। देखिए ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह इसका इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे जाना है। उसके बाद जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश रखा हुआ है, तो इसको आप हिंदी में कर दीजिए यदि हिंदी में मैसेज आप सुनना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ से पिच है, मोटा पतला भी कर सकते हैं, स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कॉपी टू स्पीक, इसको आप ऑफ है, इसको आप ऑन कर दीजिए। बस यही सेटिंग्स आपको करनी है। उसके बाद आप बाहर निकल जाइए। उसके बाद सीधे चलिए अपने मैसेज पे। जैसे मैं एक मैसेज दिखा देता हूँ व्हाट्सएप का। देखिए मेरे पास एक ये मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप का, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 डॉट्स है कोने पे, यहाँ जाके ये कॉपी पे क्लिक कर दूँगा, जिससे एक छोटा सा आइकन और आ जाएगा तो मैं इस पे टैप कर गुणवत्ता दूँगा। पर सवाल, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र जांच सत्यापन के फॉर्म और प्रक्रिया को देखने से यह मालूम पड़ता है कि ये काम तो जिला अथवा ब्लॉक स्तर के तो संबंधित मैं इसे अधिकारियों बंद कर से भी देता कराया हूँ। जा सकता है। तो देखा आपने, इस तरह आप बहुत ही आसानी से जिस भी मैसेज को आपको सुनना है उस मैसेज को सेलेक्ट करके बस कॉपी कर दीजिए और जो आइकन आएगा उस पे टैप कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको पढ़ देगा। अब मैं चलता हूँ अपने वेब पेज पर। तो फ्रेंड्स, मैं एक वेब पेज पर आ गया हूँ और यहाँ मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यार इतना कौन पढ़ते रहेगा, इतना लंबा लंबा है, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पे इस तरह दबा के इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा जितना मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कॉपी का ये आ जाएगा तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, मैं इस पे एमएस टैप धोनी कर दूंगा। छुट्टियों के बाद वापस बिजी होने वाले हैं। वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे और 3 TB सीरीज में खेलने वाले तो मैं हैं। इसे बंद कर देता हूँ। एशिया कप के बाद एमएस धोनी तो इस तरह बहुत ही आसानी से किसी भी मैसेज को सुनना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की मदद से सुन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आपको वहाँ जो हिंदी रखे थे वहाँ पे आपको इंग्लिश रख देना है। जैसे सेटिंग में जाने के बाद थ्री डॉट्स में जाने के बाद सेटिंग में आना है, फिर यहाँ देखिए जो मैंने हिंदी रखा था लैंग्वेज, यहाँ आपको इंग्लिश कर देना है। उसके बाद वो इंग्लिश में पढ़ के सुनाने लगेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वेब पेज पर आ गया हूँ, यहाँ इंग्लिश से लिखा हुआ है तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तो सिंपली मुझको इसको कॉपी करना पड़ेगा, इस तरह दबा के मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ और इस आइकन पे टैप कर देता हूँ। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रिवील ए न्यू डिजाइन फॉर टॉम तो हॉलैंड देखिए स्पाइडी इस तरह सूट, इंग्लिश में ये बोलना चेक स्टार्ट द कर अमाउंट दिया है, हियर, अपडेटेड अक्टूबर 15। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।